एक्चुअली मुझे इस फिल्म में जो ज़्यादातर जो सीन्स हैं वो फनी सीन्स हैं। फिल्म एक कॉमेडी है, वो जो एक क्लासिक फॉर्मेट होता है रोम कॉम का, जहाँ पर जब रेजोल्यूशन होने वाला है स्टोरी का, थिंग्स गेट अ लिटिल बिट सीरियस, जब सारे पोल खुलते हैं लाइफ के, तो ऐसा ही कुछ है। मगर बहुत कॉमेडी करने का मौका मिला है इसमें। जो डायलॉग्स थे बहुत फ़नी है, सिचुएशन बहुत फ़नी है। तो आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम जो सारी फिल्में मैंने आज तक की हैं एज एन एक्टर एटलीस्ट, दिस इज़ प्रॉबेबली द मोस्ट ह्यूमर दैट आई हैव गॉट टू डू इन फिल्म। आप ये भी मानते हैं कि चैलेंजिंग रोल रहा होगा आपके लिए कॉमेडी के लिहाज से, कि कॉमेडी करना ज़्यादा मुश्किल होता है? हाँ बिल्कुल। कॉमेडी एक कहावत थी कि कॉमेडी इज सीरियस बिजनेस, तो ऐसा ही कुछ है कि यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट डूइंग कॉमेडी। और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आपका जो एक रैपो होता है आपके गोस्ता के साथ बहुत ही ज़रूरी होता है फॉर टाइमिंग। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। विद्या भी मतलब एक अमेजिंग एक्ट्रेस है, वीर भी है फिल्म में, राम कपूर भी है फिल्म में, तो ज़्यादा मेरे सीन जो हैं उन्हीं के साथ में हैं। एंड ऑल ऑफ देम आर वेरी वेरी गुड एट व्हाट दे डू, सो इट वाज गुड। शादी के साइड से